आज हम आपको एयरटेल, वोडाफोन एंड जियो के स्पीड टेस्ट करके बताएंगे किस नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा स्पीड मिलता है। तो सबसे पहले मैं एयरटेल का स्पीड टेस्ट करता हूँ। देखिए अभी मुझे 10 Mbps से 11 Mbps तक का स्पीड मिल रहा है एयरटेल 4G नेटवर्क पर। और स्पीड डिपेंड करता है आपके एरिया पे कितने यूजर हैं एंड आपके फ़ोन में कितना नेटवर्क सिग्नल आ रहा है। मेरे फोन पे अभी फुल सिग्नल है। मैंने 2-3 बार टेस्ट किया है। तो देखिए अभी मेरा एयरटेल का टेस्ट चल रहा है। एयरटेल सिर्फ 10 से 12 Mbps तक का स्पीड दे रहा है यहाँ। और अब मैं वोडाफोन का करता हूँ। देखिए ये स्टार्ट हो गया। एयरटेल से अभी थोड़ा कम स्पीड मिल रहा है यहाँ पे। एयरटेल का जहाँ 10 Mbps तक स्पीड जा रहा था, तो अभी वोडाफोन में सिर्फ 4 से 5 Mbps तक। लेकिन देखिए यहाँ पे अपलोड स्पीड ज़्यादा है डाउनलोड से। अब दोबारा टेस्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी स्पीड पहले से ज़्यादा है। स्पीड पिंग भी बहुत ही कम है, ओनली 23 ms। चलिए दोबारा करते हैं। डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड ठीक ठाक है वोडाफोन नेटवर्क पर भी। पिंग इस बार भी बहुत ही कम है, ओनली 20 ms। तो आप जियो की बारी है, चलिए जियो के टेस्ट करते हैं। आप तो ये देखिए जियो का स्पीड 20 Mbps एयरटेल और वोडाफोन से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल भी स्पीड यहाँ पे मिल रहा है। एयरटेल का जहाँ 10 Mbps आ रहा था, तो अभी जियो का 20 Mbps है। स्पीड आपके एरिया में कितना मिल रहा है आप कमेंट में बताइए। और मैंने दोबारा टेस्ट किया तो अभी स्पीड डाउन हो गया है, अभी सिर्फ 11 Mbps। चलिए फिर से करते हैं, देखते हैं। से तो ज़्यादा है यार, एयरटेल से भी यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है जियो का। तो इस तरह स्पीड टेस्ट का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं स्पीड टेस्ट रिलेटेड और भी वीडियो यहाँ पे
पोस्ट करने वाला हूँ।